प्रदेश में बढ़े हुए पेट्रोल डीजल और गैस के दाम आम जनता की जेबों पर तो भारी पड़ ही रहे हैं। वहीं कांग्रेस अब इसे लेकर मैदान में उतर आई है। जबलपुर में कांग्रेस ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और प्रदर्शन भी किया। देखिए खास रिपोर्ट। जबलपुर में कांग्रेस विधायक विनय सक्सेना के नेतृत्व में सैकड़ों कांग्रेसी दमोह नाका चौक पर जमा हुए। यहां प्रदेश सरकार के खिलाफ नारे लिखी तख्तियां भी थी, वहीं बढ़ी हुई कीमतों और किसानों द्वारा आत्महत्या को दर्शाती हुई झांकियां भी। विधायक के नेतृत्व में पहुंचे लोगों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ नारे बुलंद किए। विधायक की माने तो 21 मुद्दों पर प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा गया। इसमें खुलेआम शराब बेचने से लेकर कई अन्य मुद्दे भी शामिल हैं। विधायक ने सीएम और गृह मंत्री पर भी निशाना साधते हुए उन्हें बड़बोला बताया। देखिए बहुत से महत्वपूर्ण 21 मुद्दे हैं, जिसमें दमोह नाका से गडकरी जी ने जो उद्घाटन किया था वो वहाँ की बजाय गोपाल सदन बन रहा है। यही अगर मान लीजिए गोहलपुर थाने के पुल जहाँ जाम लगता है उसके आगे तक बनाया गया होता तो पूरे शहर का यातायात का जो दबाव दमोह नाका में खत्म हो जाएगा। लेकिन पीडब्ल्यूडी के नाम से करके सेतु निगम से ना करा के मनमाने ढंग से इस फ्लाईओवर को बनाया जाए। जिन लोगों को रानीताल में दुकानें तोड़ी जाने वाली, अगर पिंजरापुर की जो जमीन गौशाला की भूमि को आपने बिल्डरों को बिकवा दिया सरकार ने, वहीं पे अगर नगर निगम ने कॉम्प्लेक्स बना दी जब नगर निगम ने खाली कराया, तो पूरे जो वहाँ पे जो लोग स्थापित होंगे उनको हम वहीं पे उतरे भाई उतरे का मकान और दुकान दे सकते हैं। हंसी खुशी नागरिक ले लेंगे। 75 एकड़ जमीन जो PNT भूमि खाली हो रही, लेकिन उस भूमि को बिल्डरों को बेचने की तैयारी सेंट्रल गवर्नमेंट। हम चाहते हैं कि वो भूमि नया जबलपुर बसाने के लिए जबलपुर शहर के नागरिकों के हित में जबलपुर नगर निगम को हैंड ओवर कराई जाए। इस तरह के अन्य कई मुद्दे हैं। जबलपुर शहर में आप देख रहे हैं शराब की दुकानों के बाहर तक खुलेआम शराब बेची जा रही, जो कि गैर कानूनी है। शाम के बाद महिलाओं का और बहनों का निकलना मुश्किल हो गया है। चाहे चंडाल बाटा की दुकान आप देख लीजिए जाके, चाहे आप आगे के विजयनगर की देख लीजिए, 20 सड़क को तक बंद कर दिया जाता है। इन सब गंभीर मुद्दों को लेके हमारे यहाँ 4 दिन पहले चिटफंड कंपनी ने हमारे शहर के युवाओं का पैसा लेके भाग गए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, आप कहाँ अपराधियों पे लगाम लगा पा रहे हो? आप कहते हो हम गाड़ देंगे, आपके गृह मंत्री कहते हैं हम भून देंगे, तो आप लोग क्या सिर्फ बड़बोले हो, बतौलेबाज हो? इन सब मुद्दों को लेके कि बढ़ते अपराध और जबलपुर के विकास को लेके आज का धरना प्रदर्शन। वार्डो से लेकर जबलपुर में व्याप्त समस्याओं को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। समस्याओं को दूर करने के लिए ज्ञापन दिया है। आज शॉर्ट में धरना प्रदर्शन किया गया। विनय सक्सेना विधायक जी है जो, उनके नेतृत्व में आज यह धरना प्रदर्शन आंदोलन किया गया। जो हमारे वार्डो में समस्या, वार्ड नहीं पूरे जबलपुर के जितनी भी विधानसभा है उन सब में जितनी भी समस्या हो रही है, जैसे कि अपने जितने भी वार्ड है यहाँ पर, जैसे कि नालियाँ नहीं बन रही है, सड़क में देखो तो जगह जगह गड्ढे, शराब की दुकानें, महिलाएं 8 बजे के बाद निकल नहीं पाती है कहीं पे भी। और जैसे अभी ये चिटफंड का थोड़ा दिन पहले मामला हुआ था, वो चिटफंड वाले मामले में हम भी वहाँ पर थे, हमने देखा कि पुलिस लाठीचार्ज कर रही है। इसी चीज़ को लेकर हम प्रदर्शन भी कर चुके हैं, ज्ञापन भी दे चुके हैं, और अगर ऐसी चीज़ें चलती रही तो हम प्रदर्शन करते रहेंगे। और आज ही प्रदर्शन हुआ है जिसके जरिए हमने कलेक्टर महोदय, मुख्यमंत्री महोदय सबको ज्ञापन सौंपा है कि जिसमें हमारी समस्या जल्द से जल्द शॉर्ट आउट। देखा जाए तो जबलपुर में व्याप्त समस्याओं को लेकर कांग्रेस खुलकर मैदान में उतरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, जबलपुर।